हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 12 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के, वो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सोनम मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है और दिन में भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ, और अभी भी सारे क्वेश्चन नहीं लेके आ पाया हूँ। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं उनकी मैं PDF बना के बाद में वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया में कौन सी है, कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका परमाणु मूवी में एक्टर कौन है, तो जॉन अब्राहम राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपातकाल किसके समय में लगा था, इंदिरा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था, ये न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के CM विजय रूपानी, राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरुंधति भट्टाचार्य की बुक कौन सी है, हैपन्स, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अब एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता चला है तो जो भी होगा देख लीजिएगा। इंडिया एंड वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज, देखिए कई बार रिपीट हो चुका है तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी चलती है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म भी आज पूछा गया था, तो 2 अक्टूबर 1869 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इन्फोसिस के CEO पूछा गया था, तो सलील पारिक, राइट आंसर इसका हो जाएगा। विप्रो के भी CEO यहाँ पे पूछे गए थे, तो अबिदाली निमुचवाला, राइट आंसर हो जाएगा, ये पहले भी आ चुका है। सबसे पुराना वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2017 में रिया शर्मा को कौन से कला के लिए अवार्ड मिला है, तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट, देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिसने 6000 रन बनाए, मिथाली राज, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जोन्स साल्क ने, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर भी पूछा गया था इंडिया का, तो अरुण जेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद किसको हराकर प्रेसिडेंट बने, तो मीरा कुमार। ठीक है, तो इनसे पहले कौन थे, मीरा कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में GST कब से शुरू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ये मुझे जितने भी मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट याद और जितने भी मिले वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, बाकी मैं PDF पे प्रोवाइड करा दूंगा। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी जगह से कलेक्ट करने पड़ते हैं, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो सारी जगह के मैं नहीं कर पाया हूँ। ठीक है भाई, थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए वेन डायग्राम से, पशु भैंस गाय, तो बहुत ही सिंपल सा है, पशु और देखिए भैंस और गाय दोनों के दोनों पशु हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का वेन डायग्राम आपको बनाना था। एक देखिए मिरर इमेज का आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, इसमें आपको मिरर इमेज बताना था। ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो चीज़ें मिरर के पास में होती है तो उनको पास में ही रखना है। ठीक है, जैसे ये मिरर के पास में है तो इधर भी ये पास में ही रहेगा, फिर ये डंडा है तो ये डंडा बना देंगे, फिर यहाँ पे ये है फिर ये बना देंगे, ये है तो ये बना देंगे, मतलब कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बस एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन किस तरीके से मिलता है। एक का मुंह इधर को करके दे देंगे तो वो तो हट ही जाएगा, तो आपको ऑप्शन से भी देख के करना होता है, बहुत सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होते हैं तो उनको हटा देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी कंपनी के CEO ने कहा कि सभी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं उन्हें थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी कि कंपनी से उन्हें जल्दी छुट्टी दे देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो क्या क्या है देखते हैं, इनमें से कौन सा राइट होगा। महिला अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकती है,
तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कहीं थोड़ा बहुत मतलब लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट क्वेश्चन यही था। यहाँ पे बताया गया महिला अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए कंपनी के सीईओ ने ये चीज़ सोची क्यों होगी कि बच्चों के साथ में या अपने घर में जाके वो टाइम बिता सके महिला ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये बात इसलिए बोली गई, देखिए जो जो महिला प्रेग्नेंट है और जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की ही बात की जा रही है, तो बच्चों के साथ में ज़्यादा टाइम बिता सके तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी का सीईओ जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए या फिर कुछ ना कुछ सोच के ही बात को बोलता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो इसका वेन डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने एक व्यक्ति का वेन डायग्राम बनाया, उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे हो गए और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हो गए, ठीक है। ये तो बोला है कुछ व्यक्ति अच्छे हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है निष्कर्ष में, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, ठीक है। बुद्धिमान और अच्छे के बीच में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तो इसके मतलब हम इसको कट करेंगे, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं या नहीं है इससे हमें पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं गया तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा भी कुछ इस तरीके से बोला है, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी कि जो अच्छे और व्यक्ति दोनों हैं वो बुद्धिमान है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेन डायग्राम बना है वो कुछ भी इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आपका, विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। देखिए यहाँ पे जो बोला गया ना कोरम के अभाव से, सबसे पहले कोरम का मतलब समझिए। देखिए कोरम होता है, मान लीजिए कोई जो विशेष अधिकारी की समिति जो बैठक बनती है, ठीक है, जो टीम बनती है, उसमें मान लीजिए 12 आदमी थे और 12 में एक कोरम फिक्स किया जाता है। अगर कभी भी वो बैठक समिति की बैठक होगी तो उसमें 12 में से, मान लीजिए मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 7 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, अगर 7 प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कोरम को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोरम क्या होगा, मिनिमम जो मेंबर्स हैं आपके समिति के वो प्रेजेंट होने चाहिए, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बैठक नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा मैं कोरम को समझाया, बाकी अभी देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट दी गई है, विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। तो इससे हम क्या समझते हैं कि एक बैठक होनी थी जिसमें कोरम के अभाव से नहीं हो पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या निकलते हैं। पहले वाला निष्कर्ष क्या है, किसी भी समिति की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी भी समिति, तो यहाँ पे किसी भी समिति के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया विशेष अधिकार समिति की बैठक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी से मतलब नहीं है, विशेष अधिकार समिति की बैठक से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में ये ही दे रखा है। नेक्स्ट आपका जो दूसरे वाला बोला गया, इसमें बोला गया है विशेष अधिकार समिति की अगली बैठक कब अब नहीं होगी, तो इससे भी कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगली बैठक से कोई मतलब बात नहीं बोली गई स्टेटमेंट में। यहाँ पे बोला गया है कि विशेष अधिकार समिति की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी, अगर कोरम पूरा होता तो ये हो जाती, अगर नहीं हुई है तो इसका रीजन क्या है या फिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो हमें बताना था, अगली होगी या नहीं होगी इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों ही आपके रोंग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला गया है, आज ट्रेन किस समय छूटी, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज ट्रेन किस टाइम छूटी, तो निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेन सामान्य समय पर ही छूटती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक समय पर सामान्य समय पर ही आपकी छूटेगी, तो गलत हो जाएगा, और दूसरे वाला तो रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स टाइम दे दिया गया है, तो फिक्स टाइम तो हम निर्धारित कर ही नहीं सकते जब यहाँ पे बोला नहीं गया है किसी भी फिक्स टाइम के बारे में। छूटने का निर्धारित समय 2:30 PM पर, यानी कि 2:30 मिनट पर छूटी है, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन है कि पेन पेपर स्टेशनरी। देखिए पेन और पेपर कहाँ पे मिलते हैं, हमेशा स्टेशनरी पे मिलते हैं, ठीक है, हमेशा तो नहीं मतलब स्टेशनरी पे मिलते हैं, तो ये आपका पेन पेपर इसके अंदर आ जाएगा और स्टेशनरी अंदर मतलब इनको कवर कर लेगी। नेक्स्ट आपका है, राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति न मिलने से मिलने के कारण ही CBI आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर पाई है, इससे हम क्या समझे। देखिए राज्यपाल के द्वारा अभी तक अनुमति न मिलने के कारण, अगर
राज्यपाल अनुमति दे दे, ठीक है। तो सीबीआई जो है वो आज एक मतलब सीबीआई आज तक मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं कर पाई है, कोई भी न्यायालय की अभियोग मतलब पत्र नहीं लगा पाई है, बट अगर राज्यपाल अनुमति दे दे तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या समझा है इससे, निष्कर्ष क्या क्या है। पहले वाला निष्कर्ष है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने से पूर्ण सीबीआई को राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है, एक बार और पढ़ के देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्व सीबीआई को राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति ना मिलने के कारण ही तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभी तक न्यायालय में अभियोग पत्र नहीं लगाया गया है, ठीक है। अगर जो राज्यपाल है वो अनुमति दे दे तो इसकी तो हमें को फिर मुख्यमंत्री के विरुद्ध हम अभियोग पत्र लगा सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे वाला बोला जा रहा है, राज्यपाल आने वाले दिनों में अनुमति अवश्य दे देगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राज्यपाल आगे आने वाले दिनों में अनुमति दे देगा, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है आपका स्टेटमेंट में, ठीक है। कथन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका दूसरे वाला ये पॉइंट जो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक देखिए क्वेश्चन था ओड वन आउट का, तो ओड वन आउट में हम क्या समझते हैं, देखिए जैसे ये फिगर दे रखी है आपको, चार फिगर, तो इसमें आपको एक बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो ओड वन आउट आपको इसमें निकालना है। देखिए अगर मैं बात करूँ पहले वाली फिगर की, तो यहाँ पे यू बना हुआ है, बड़े वाला यू, छोटे वाला यू, फिर यहाँ पे देखिए एक बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा गोला एक छोटा गोला, यहाँ पे देखिए अगर डी वाले की मैं बात करूँ तो एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, नीचे त्रिभुज बना हुआ है आपका, तो ये ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा बना हुआ है, यहाँ पे बड़ा और छोटे में जो बना है आपका वो उससे दूसरे वाली फिगर बनी है, ठीक है। ये तो सभी सेम सेम फिगर है, ये वाली सेम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है एक सीरीज से क्वेश्चन था, 1 0 3 2 5 6 7 12 9 20। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बार तो सीरीज डिक्रीज होती है, एक बार इंक्रीज होती है। देखिए 1 से 0 3 2 5 6 7 12 9 20, यानी कि एक बार इंक्रीज होती है एक बार डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था, ये 20 आपको बताना था, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखिए यहाँ पे नीचे अगर मैं बात करूँ +2 चल रहा है, सॉरी यहाँ पे +2 चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 चल रहा है और यहाँ पे भी +2 चल रहा है, ठीक है। यानी कि एक एक छोड़ के +2 चल रहा है, ऊपर +2 +4 +6 +8, ठीक है। यानी कि दो दो से इंक्रीमेंट हो रहा है, ऊपर वाली जो सीरीज चल रही है एक एक जो आपका नंबर छोड़ के चल रही है उसमें +2 भी चल रहा है। पहले 2+ हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर +8 हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, 20 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जितनी भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पे बोला जा रहा है YTOJ को XSNI लिख दिया जाता है, तो WRMH को V मतलब ये आपको बताना था कि ये क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। देखिए रिलेशन आपको कब मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग में रिलेशन कब फाइंड आउट करना सीख जाएंगे आप, जब आपको सभी अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होंगे, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके नंबर आपको याद होंगे, तो इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं, वाई लिखा है पहले वाला और यहाँ पे एक्स लिखा है, टी लिखा है, एस लिख रहा है, यानी कि -1 चल रहा है। सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है ना कि -1 है, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है, ठीक है। ऐसे WRMH में भी आपको -1 ही करना है, R में भी -1 ही करना है, M में भी -1 ही करना है, H में भी -1 ही करना है, तो VQLG इज द राइट आंसर। तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ का, ठीक है। मैथ के बाकी के क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया कि PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, अभी कौन कौन से टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ। जैसे मैंने कल आधे घंटे की बना दी थी, तो आज नहीं बन सकती आधे घंटे की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को उसके CP से 30% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि जो एक दुकानदार है वो
किसी वस्तु का प्राइस जो रखता है वो 30% बढ़ा के रखता है, जितना प्राइस है ना उसका अंकित मूल्य जो MRP रखेगा उस पर 30% बढ़ा के रखता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको परसेंटेज में गिवेन है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। जब भी हम CP की बात करते हैं, CP हमारी 100% होती है, कोई भी वैल्यू होगी CP की वो 100% होगी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने अपने माल को CP से, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है, लागत होती है, उसको 30% से अधिक पर अंकित करता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 में प्लस 30 कर देंगे, या फिर आप 100 का 30% निकालें तो 30 आएगा, तो MRP 30% बढ़ा के रखेंगे तो 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देता है जब वो किसी इस सामान को बेचता है, ठीक है, माल को बेचता है, तो उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो 130 का 10% निकालिए कितना आ जाएगा आपका, 13 आ गया। तो 130 में से 130 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 117। 117 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो आप अब खुद समझ सकते हैं कि 117 आपका सेलिंग प्राइस आया और जो आपकी CP थी वो केवल 100 की थी, तो कितने परसेंटेज आपका इंक्रीज हुआ, यानी कि कितने परसेंटेज, कितना परसेंट आपको लाभ हुआ, ये आपका 17% लाभ हुआ है। और ये हमारा सीधा सीधा परसेंटेज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिगर वैल्यूज नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, सारी परसेंटेज में थी। तो हमने इसको 100% माना, MRP 130% कर दी, और जो प्रॉफिट बचेगा वो 117%, यानी कि सॉरी सेलिंग प्राइस, तो इसमें से हम 100 में से 117 को माइनस करेंगे तो 17% आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा था 2:5, तो 2:5 ए बी की आयु का रेशियो है, आयु का गुणनफल आपका 90 वर्ष है, आयु का जो गुणनफल है वो 90 वर्ष है, आयु का योग कितना होगा ये आपको बताना है। गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई कर दी जाए एज की, वो 90 वर्ष की होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x और 5 दे रखा रेशियो, तो 2x और 5x लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की एज की मल्टीप्लाई करूँ तो वो 90 आ जाएगा, यही दे रखा ना, गुणनफल आपका 90 है, इसका मतलब यही है कि 2x मल्टीप्लाई 5x ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों की, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 10 आ गया, और x के x में करी तो x स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 10x स्क्वायर बराबर 90 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब 0 से 0 कट जाएगा तो x स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसका स्क्वायर होगा, 9, ये आपका 3 होगा, 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो ये देखिए x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब यहाँ पे क्या पूछा, इन दोनों की एज का सम, तो हमें पता है ए की एज 2 है और बी की एज 5 है, ठीक है, और 2x और 5x है, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करिए और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो 6 और 15 आपका आ जाएगा, 5 दिया 15, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 21, यानी कि इन दोनों की एज का जो सम है वो 21 ईयर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, किस किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है, देखिए आज का अगर मैथ का मैं पूरा का पूरे पेपर की बात करूँ, तो सेकेंड शिफ्ट में आपका एवरेज चैप्टर कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा था। अगर ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो सभी चैप्टर से, मैक्सिमम सभी चैप्टर से आपके एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन था, एवरेज आज थोड़ा ज़्यादा था, प्रॉफिट एंड लॉस भी था, परसेंटेज भी था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी था, मेंशुरेशन था, स्क्वायर रूट था, ट्रेन से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन थे, SI CIC और बोर्ड से भी क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि बार ग्राफ और ये आपका जो है इनसे भी क्वेश्चन थे, यानी कि DI वाले क्वेश्चन भी थे। ये मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि जब भी पेपर आपका धीरे धीरे होता जाएगा तो फाइनल में जाके ये क्वेश्चन सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं अभी बात करूँ रिपीटेशन की, तो जो आपके सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी आपके रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर बात कीजिए, देखिए रेलवे के पास क्वेश्चन की कोई ये तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन, अगर पीरियोडिक टेबल की बात कीजिए तो पीरियोडिक टेबल में से जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सारे बन चुके हैं। या तो आप मेरी 1000 क्वेश्चंस की वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, या फिर आप जो PDF मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है उनको देख लीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो पहले क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं, क्योंकि अभी दोबारा से रिपीट होने स्टार्ट हो गया पेपर आपका,
और मैथ की बात की जाए तो मैथ में से आप ज़्यादा किसी भी मतलब आपका टॉपिक पे फोकस नहीं किया जा रहा है, सभी में से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सभी जो भी एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चंस है, स्लोगन से, वेन डायग्राम, मिरर एंड वाटर इमेज से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सीरीज से भी क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग से भी क्वेश्चन है, एनालॉजी से भी क्वेश्चंस है। तो यही कुछ टॉपिक्स मुझे पता चले थे, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो वहाँ से आप PDF लेके सभी PDF पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप डायरेक्ट टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप टेलीग्राम ही नहीं चलाते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, फिर वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जिस भी प्रोसेस से वो भरा जाएगा उसको भरने के बाद में टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोज़ बनाने का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।